मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रीति पांडे श्रीनाथ बीएड कॉलेज से, मैं आज शिक्षण विधियों के बारे में आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। तो शिक्षण विधियाँ या टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, किस लिए उपयोग में लाए जाते हैं, मुख्यतः जो शिक्षण विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उन सभी के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये एक कॉमन टॉपिक है जो कि एसटीसी एवं बीएड दोनों के लिए होता है। शिक्षण विधियां तो दोनों को ही सीखनी चाहिए और एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विधि जो वर्ड है वो आया कहाँ से है। विधि या मेथड जो वर्ड है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका की अर्थ होता है तरीका या रीति। अब इसकी हम एक डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, जो कि जैरव ने 1967 में दी थी कि शिक्षण विधियां वे विधियां हैं जिनके अनुसार शिक्षक छात्रों को ज्ञान एवं कौशल प्रदान करते हैं तथा छात्र अधिगम प्रविधि के अंतर्गत ज्ञान बोध एवं कौशल अर्जित करते हैं। विधि या मेथड, जैसा कि हम जानते हैं कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है। अब हम ये देखेंगे कि जो शिक्षण विधियां हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। तो उसमें व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि या भाषण विधि भी कह सकते हैं, संश्लेषण या विश्लेषण विधि, व्याख्या विधि, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, हेरिस्टिक विधि या मेथड, आगमन निगमन विधि, पैनल परिचर्चा आदि बहुत सारी विधियां आपके सब्जेक्ट के अनुसार, आपके टॉपिक के अनुसार उपयोग में लाई जाती हैं। आज हम जो मैंने सबसे पहला नाम जो लिया था लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि, उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड का इतिहास काफी पुराना माना गया है। इसका उपयोग आज भी व्यापक पैमाने पर किया जाता है। ये काफी प्रचलित विधि है लेकिन सरल नहीं है, क्योंकि इसमें शिक्षक को एक कुशल वक्ता के रूप में कार्य करना होता है, विषय का संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। छात्रों की भूमिका अगर कह रहे हैं तो छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में जो भी शिक्षक भाषण देता है उसको सुन करके उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। ज्ञान का स्थानांतरण की एक बहुत ही उत्तम विधि मानी गई है और शाब्दिक वर्णन की बहुत अच्छी प्रक्रिया इसके अंतर्गत होती है। शाब्दिक वर्णन का कार्य बहुत अधिक होता है लेकिन क्रियाशीलता की अगर हम बात करें तो क्रियाशीलता की काफी कमी इसमें देखी जाती है। कक्षा में जाने के पूर्व ही इसकी हमें प्रिपरेशन या तैयारी करनी पड़ती है। विषय की संपूर्ण तैयारी अति आवश्यक होती है। जो हमारा रटा रटाया ज्ञान होता है उसी का ट्रांसफर होता है, यानी उसी का स्थानांतरण होता है। भाषण बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है इसमें और छात्रों का कार्य होता है कि वो महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखते जाते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं और कोई भी शंका होती है तो उसका समाधान शिक्षक करता है। प्रश्नों के माध्यम से ये भी देखा जाता है कि छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है। अब इसमें इस विधि के अंतर्गत शिक्षक कुशलता बढ़ाने हेतु कुछ कार्य भी करता है, जैसे कि शाम पट पे लिखने का कार्य या किसी जटिल समस्या है अगर या जटिल कोई वस्तु उसको समझाने का कार्य कुछ चित्रों के माध्यम से भी किया जाता है, कुछ केलम के माध्यम से भी किया जाता है उनको समझा करके। अब हम देखते हैं व्याख्यान का अर्थ। मीनिंग, व्याख्यान का अर्थ। अब व्याख्यान का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ लेक्चर मेथड
की अगर हम बात करते हैं तो व्याख्यान का अर्थ है तथ्य तथा सिद्धांतों की संपूर्ण व्याख्या। अब व्याख्यान का जो मुख्य आधार है वो इसका बेस ये माना गया है कि मानव सूचना प्रविधि इसका मुख्य आधार माना गया है। इसके अंतर्गत जो मुख्य प्रक्रिया होती है वो होती है अभिप्राय के बाद में हम लिखेंगे संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन और लास्ट में लिखेंगे हम सूचना ग्रहण। अभिप्राय संप्रेषण और सूचना ग्रहण व्याख्यान का एक ट्रैक है ये कि इस तरीके से शिक्षक को कार्य करना होता है सूचना प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्याख्यान की तैयारी। तो व्याख्यान की तैयारी यानी कि प्रिपरेशन फॉर लेक्चर मेथड, व्याख्यान की तैयारी के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि हमें छात्रों का पूर्व ज्ञान का पता लगाना होता है और सुनियोजित प्रकार से जो हमारा टॉपिक है उसको छोटे छोटे आवश्यक भागों में विभक्त करना होता है। मुख्य बिंदुओं को हमें अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख करके समझाना होता है। इसके अलावा उपयुक्त उदाहरणों का भी प्रयोग किया जाता है, उनका भी समावेश आवश्यक है। फिर समय समय पर कुछ अंतराल के बाद में हमें क्वेश्चंस भी पुट अप करने होते हैं यानी प्रश्न भी पूछने होते हैं। छात्र उनका अगर उत्तर दे पाते हैं इसका अर्थ यह है कि उनको इस विधि के द्वारा समझ में आ रहा है। फिर आवश्यकता अनुसार जो नवीन शब्द हैं या कोई ऐसा कठिन चित्र है या कोई वस्तु है ऐसी जो कि समझ में और ऐसे वर्बली समझ में नहीं आती है तो उसको ड्राइंग के द्वारा या चित्र पहले से बना करके प्रस्तुत करके फिर उसके बाद व्याख्यान भी दिया जाता है। तो ये हो गया इसका व्याख्यान की तैयारी के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार की तैयारी करनी होती है। तो आज की क्लास में हमने शिक्षण विधियों के बारे में देखा कि शिक्षण विधियां मुख्यतः कौन कौन सी हैं। फिर जैरव की एक हमने डेफिनेशन भी इसके अंतर्गत लिखी है, पढ़ी है। उसके अलावा शिक्षण जो विधि वर्ड है वो कहाँ से डेराइव हुआ है, कहाँ से आया है, उसके विषय में हमने अध्ययन किया। इसके बाद में जो लेक्चर मेथड था इसका थोड़ा इतिहास देखा कि ये कहाँ से और किस तरीके से व्यापक उपयोग इसका होता चला गया। फिर व्याख्यान का अर्थ हमने आज सीखा कि व्याख्यान का अर्थ क्या है और इसका अभिप्राय भी देखा कि अभिप्राय और इसका जो वर्ण ट्रैक जो बताया था कि एक तरफ ही बढ़ता है अभिप्राय से संप्रेषण में, संप्रेषण से सूचना ग्रहण की तरफ। उसके बाद में जो व्याख्यान की तैयारी होती है वो किस प्रकार से की जाती है शिक्षक के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके उद्देश्य और गुण और दोषों के विषय में पढ़ाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।